हिंदुस्तान में आज के दिन ही हिंदू नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता है। देश के अलग अलग प्रांतों और राज्यों में ये त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में आज के दिन है गुड़ी पाड़वा को हिंदू नववर्ष की तरह मनाया जाता है, जहां पर घरों में हर कोई अपने बालकनी में गुड़ी लगाकर इस पर्व की शुरुआत करता है। ऐसा ही गुड़ी पाड़वा का पर्व हमें ठाकुर विलेज में देखने को मिला, जहां पर पूर्व नगर सेवक योगेश भोईर और माधुरी भोईर द्वारा गुड़ी पाड़वा मनाया गया आम जनता के बीचों बीच। इतना ही नहीं, नगर सेवक और नगर सेविका योगेश भोईर और माधुरी भोईर द्वारा सभी प्रतिष्ठानों में जाकर उन्होंने गुड़ी पाड़वा का आनंद लिया। पाड़वा भी है जो महाराष्ट्र के कल्चर का काफी महत्व रखता है। आप सभी को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपण सर्व मुंबई महाराष्ट्र नव्हे तर देशातल्या सर्व हिंदू बांधवांना नववर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून हे वर्ष, येणारं वर्ष सर्व हिंदू बांधवांना, भारतीयांना भरभराटीचा आनंदमय आणि तेजोमय जावो। आपलं इंग्लिश कॅलेंडरच्या आपण बघितलं तर 1 जानेवारी हा आपला इंग्लिश कॅलेंडरचा इयर्स आहे, पण हिंदू नववर्ष हा गुढीपाडवा चैत्र नवमी या दिवशी सुरू होतो। तर आज हिंदू नववर्ष आहे, सगळ्यांना हिंदूमय खूप खूप शुभेच्छा, तेजोमय शुभेच्छा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुढी पाडवा मतलब ये नया साल होता है, जो पुराने जो चीजें रहती है, मतलब कैसा है अभी हमारे लाइफ में जो सुख दुख है जो है, वो गुढी पाडवे के दिन लोग नया घर खरीदते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, मतलब नया साल रहते हैं। और हर एक जन अपने बाहर मतलब घर के बाहर गुढ़ी उभारते, हमारे मराठी लोग में गुढ़ी उभारते, और घर में सब मीठा त्यौहार खाने का रहता है, श्रीखंड पूरी, पूरण पूरी, ये सब रहते हैं। अभी ये जो साज समर्थ है, जो मेरा ये घर है, यहाँ पे अभी पारंपरिक से लेके ये गुढ़ी पाड़वा का जो त्यौहार रहता है वो यहाँ पे हम लोग मतलब करते हैं। मेरा शादी होने के बाद अभी ये मतलब मुझे अभी ये पता चला कि मतलब ये सोसाइटी में इतने बड़े त्यौहार ये करते हैं। फिर सुबह से गुढ़ी पाड़वा की पूजा लेके ये अभी आप देख रहे हो छोटे छोटे लेजिम वाले, ये पूरा ग्रुप घूमता रहता है पूरे सोसाइटी में। फिर उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा रहती है, फिर शाम को थोड़ा थोड़ा गेम्स और ये फिर ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रह के फिर खाना पीना रहता है। मतलब बहुत अच्छी तरह से ये गुढ़ी पाड़वा का त्यौहार रहता है। और हमें भी कि महाराष्ट्र में गुढ़ी जो छत पे लगाते हैं महाराष्ट्र में, उसमें पेटनी काड़ी लोटा मंगलसूत्र वगैरह, वो एक शास्त्र रहता है सब, मतलब गुढ़ी का जो शास्त्र है, पूजा है, वो सब रहता है। कि महाराष्ट्रियन में आपने देखा होगा कि पूरे मतलब घर घर में खिड़की के ऊपर या फिर दरवाजे के ऊपर एक गुढ़ी उभारते, मतलब वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी रहता है। कौन से देवी का पूजा होता है जैसे छठ में? नहीं नहीं नहीं, देवी बीवी का नहीं रहता है वो, सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों में गुढ़ी पाड़वा एक नया साल रहता है, हर एक इसमें नया साल रहता है, वैसे वो नया साल रहता है। शिवसेना शाखा क्रमांक 26 वतीने या ठिकाणी येणारा काळ नवीन वर्षाच्या निमित्ताने दरवर्षी सालवाप्रमाणे याही वर्षी गुढीपाडव्याचा सण अतिशय भव्य दिव्य असा कोकण सहपतीशांच्या वतीने साजरा करण्यात आलेला आहे। त्या निमित्ताने आज मी विभागातील सर्व रहिवासी बंधू भगिनींना या ठिकाणी आमच्या शाखेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि तुमच्या चॅनेलचाही आम्ही आभार मानतो या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल। गुढीपाडवा असं हे म्हणजे साडी नेसवून हे करतात, गुढी अशी उभारतात, त्याला साडी नेसवून त्याची पूजा वगैरे करतात, आणि संध्याकाळी आमच्याकडे सत्यनारायणची पूजा वगैरे, त्याच्यामध्ये लहान मुलांचे प्रोग्राम वगैरे असतात, महिलांसाठी संगीत खुर्ची असते, अशा प्रकारे हळदी कुंकूचा समारंभ असतो आमच्याकडे महिलांसाठी।